हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फुल केवाईसी प्रोसेस ऑफ पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क पे फर्स्ट वीडियो हमने 28 जुलाई को अपलोड किया था। अगर वीडियो के सारे स्टेप को आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली आज 28 अगस्त को आपके पास केवाईसी का ऑप्शन अवेलेबल में आपको शो आउट कर रहा होगा। तो आज की वीडियो में फुल कवर अप करने वाले हैं पाई नेटवर्क में अपनी केवाईसी को आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी का टाइम खराब किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर चलिए मैं अपना पाई नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और जो भी प्रोसेस रहेगा आपकी आंखों के सामने लाइव कवर अप करके दिखाने वाले। तो जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा बैनर ओपन हो चुका था। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो भी प्रोसेस है वो, ठीक है। तो आपको भी अगर केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा तो आपको भी ऐसा बैनर अपने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में शो आउट हो जाएगा। तो अभी आपको इसके थ्रू अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना रहेगा, तो वो कैसे करना है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मेरे अकाउंट में आप देख सकते हो 178 यहाँ पर पाई टोकन मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ मेन नेट में। हमने जो भी टास्क आपके थ्रू कंप्लीट करने को आपको बोला था, शायद से सभी बंदों ने उन्हीं स्टेप को फॉलो किया होगा जो वीडियो में मैंने कवर अप किए थे। अगर अभी तक आपने उन सभी स्टेप को फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको उन सभी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। आप चेकआउट कर सकते हो, लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर केवाईसी के ऑप्शन के ऊपर आकर रुक चुके थे, तो अभी यही से कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं प्रोफाइल सेक्शन आपको चेकआउट करा देता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, मेरे को केवाईसी का ऑप्शन मिल चुका है, साइड में आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए पाई ब्राउजर एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और जो भी आपका पाई नेटवर्क का आईडी और पासवर्ड रहेगा उससे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको लास्ट में मिल जाएगा KYC.py वाला बटन, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपको KYC का ऑप्शन मिल चुका है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ परमिशंस मांग रहा है तो उसको आप अलाउ कर देना, ठीक है। यहाँ पर कुछ वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो फटाफट से हम अपनी कंट्री इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने वाले हो वो डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर इतना टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको नीचे की तरफ लेट्स गो बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो फटाफट से लेट्स गो बटन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा, तो नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट बटन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेमो आपको दिखाया गया है, आपको फ़ोन को रोटेट करने के बाद ही यहाँ पर लैंडस्केप में फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फ्रंट साइड का फ़ोटो यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना कैमरा ओपन कर लिया है। चलिए, यहाँ पर से एकदम क्लियर मैंने फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर दिए। अभी आपको ऐड बैक साइड फ़ोटो पे क्लिक करना है और आधार कार्ड की बैक साइड की पिक्चर को भी यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से आधार कार्ड की बैक साइड की पिक को मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने दोनों फोटो को क्लिक करके अपलोड कर लिया है। आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना डेटा फिल करना रहेगा। तो फर्स्ट नेम में आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद मिडल नेम में फादर नेम डालना है, सरनेम में आपका जो भी सरनेम रहेगा वो डालना है, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना DOB डालना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पर आधार कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं होती तो इसको टिक कर देना है। उसके बाद इंडिया, उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आधार कार्ड के पीछे जो भी एड्रेस हो वो लिखना है। एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। उसके बाद सिटी स्टेट और एरिया का पिन कोड डाल के जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी रहेगी। तो लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी आंखों को आपको कैमरे के ऊपर ही रखना है, ठीक है, खोल के रखना है, तभी ये स्कैन कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 सेकेंड्स के लिए 2 बार अपनी आंखों को ओपन करके कैमरे के ऊपर रख देना है ताकि ये सक्सेसफुली आपके फेस को स्कैन कर पाए, आपकी आंखों को भी स्कैन कर पाए। तो सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर फेस स्कैन हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी आपके सामने डेटा आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो मैंने मिस्टेक नहीं किया है तो इसको मैं रिव्यू में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही मेरा जो भी डेटा मैंने फिल किया था सब कुछ मेरे को शो कर रहा है।
तो जैसे ही सबमिट एंड पे के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर यस डेटा इज एक्यूरेट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने जो भी फाइल्स यहाँ पर अपलोड किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को वो यहाँ पर अंडर व्यू में चले जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे को यहाँ पर थैंक यू प्लस कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज शो आउट कर रहा है। नीचे की तरफ आपको अपना स्टेटस चेकआउट करने का बटन मिल जाएगा कि आपका KYC कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो सी स्टेटस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा रिव्यू इन प्रोग्रेस में चल रहा है, तो अभी यहाँ पर 20 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगने वाला। मेरा यहाँ पर 10 मिनट्स के अंदर ही KYC अप्रूव हो चुका था। अभी पाई नेटवर्क में भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर मेरा KYC का जो भी स्टेटस है यहाँ पर पेंडिंग में शो आउट कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पर मैंने 10 मिनट्स का वेट किया था। आप ऊपर की तरफ टाइम भी चेकआउट कर सकते हो, जो भी प्रोसेस है हम यहाँ पर लाइव कवर अप करके दिखाते हैं, कुछ भी यहाँ पर स्किप नहीं करते, ठीक है। तो 10 मिनट्स वेट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना पाई ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पर फाइनली मैं अपना KYC स्टेटस आपके सामने लाइव चेकआउट करा देता हूँ ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो सभी क्लियर हो जाए। तो मेरा KYC यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुका है, आप शो आउट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ पाई नेटवर्क एप्लीकेशन में, मेरे प्रोफाइल सेक्शन को भी चेकआउट करा देता हूँ ताकि बाकी बचे जो भी डाउट्स हो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर आउट हो जाए, ठीक है। तो अभी लास्ट में जो भी स्टेप रह जाते हमको यहाँ पर अपना माइग्रेशन वाला जो भी स्टेप बाकी बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। प्लस अपने पाई टोकन को यहाँ पर आपको सेंड कैसे करना है, उसमें से आपको प्रॉफिट कैसे होने वाला है और किसको आपको सेल आउट करना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मिल सके, तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ पर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई नई ट्रिक्स ट्रिप्स एंड अपडेट्स के लिए। सो चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू धमाकेदार लूट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम। Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, 'cause I just chose to